मजबूत इरादे के साथ, पूरे जनून के साथ, पूरी सत्य निष्ठा के साथ अपने अन्नदाता का हक लेने आए हैं। यहां से वहां तक गौतम बुद्ध नगर के किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। अब शिकार नहीं बनेंगे, शोषण नहीं होने देंगे, 10% प्लॉट लेके रहेंगे। आबादी का निस्तारण कराने के लिए जो हाई पावर कमेटी, किस फरवरी को हमने दिल्ली कूच करा था, हाई पावर कमेटी बनाई थी, वो सारे मामले धरातल पर उतार दो। और बात यह है, नए कानून के हिसाब से हमें उसके सारे बेनिफिट मुआवजा दे दो। एनटीपीसी किसान मेरी मत शक्ति खड़ी हुई है, अभी तक समाधान नहीं हुआ है। ये लोग भी 5000 लोग आने वाले बहुत जल्दी, अगर नहीं करोगे, टरकाओगे, बहलाओगे, बहकाओगे, अब नहीं, बहुत हो चुका है, हो चली है। पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बातचीत इतनी हुई है, 7 दिन के अंदर वो सचिव स्तर की वार्ता करा के हमारी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक हम दलित प्रेरणा स्थल पर रहेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे, पीछे भी नहीं हटेंगे, यही धरना धरेंगे। मीटिंग होगी, हम रोज के कार्यक्रम हैं वो हमारे अलग हैं, परंतु अब यही है, मीटिंग होकर इतना ही हुआ है कि हम आगे कुछ फिलहाल नहीं कर रहे हैं, 7 दिन तक टाल रहे हैं उसको। 7 दिन तक धरना यही चलेगा। रोड और बाहर क्या है, सब यही है जी, बाहर भी रहेंगे, रोड पर भी आएंगे, आपको बता देंगे कब कब रोड पाएंगे, वो बता देंगे। हाँ जी, मुख्य मांग है 10%। जो गौतम बुद्ध नगर में जिस किसान की भी जमीन गई है, उस समय समस्त किसान को 10% विकसित प्लॉट और 64.7% मुआवजा, जिनको नहीं दिया गया अब तक, उनको एक एक किसान को चाहिए जिसकी जमीन गई है, नंबर एक। नंबर दो, 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट है जो हमने बनवाया, गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से बना, इन किसानों ने बनवाया, वो लागू नहीं हुआ है। एक भी किसान को 4 गुना मुआवजा नहीं मिला है, सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमने तमाम ये बातें इनके सामने रख दी हैं कि जब तक हमारा सर्किल रेट बढ़ोतरी करते हुए 4 गुना मुआवजा नहीं होगा, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरीका से आगे बढ़ता रहेगा। एयरपोर्ट के गाँव है, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन नीति में बदलाव नहीं हो रहा, बार बार उनके गांवों को उठाया जा रहा है। हमने कह दिया जब तक उनकी विस्थापन नीति हमारे हिसाब से नहीं बनाई जाएंगी, हम आंदोलन में रहेंगे, वापिस नहीं हटेंगे। हम पड़ाव के तहत आए हैं, हमने 25 को हमारा ग्रेटर नोएडा पे था, 28 से हमारा यमुना पे है, और 2 तारीख से हमारा महामाया फ्लाईओवर से आगे आ चुका है। अब जब तक इनका मन करे, जब तक ये अपने काम करते रहे, हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जहां तक हमें जाना होगा वहां तक हम जाएंगे, सरकार तक हमें अपनी बात पहुंचानी है। सरकार की कान में अगर आवाज पहुंच गई हो तो हमारी समस्या का समाधान कर दे, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, धरना हमारा जारी है, धरना हमारा जारी है। आज का हमारा पड़ाव यहाँ का है, हम पड़ाव के तहत हैं। फिर हमने अधिकारियों से कहा है कि आप जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, अन्यथा हम फिर कल को फिर आगे बढ़ेंगे। ये रोड ब्लॉकेज जो है, ये आप लोग खोल रहे हैं? हमने नहीं किया रोड ब्लॉक किया है अधिकारियों ने, हम तो जा रहे थे आगे, इन्होंने अनुरोध किया है, हम रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए। हमने कह दिया या तो हमारी समस्या का समाधान कर दो, अन्यथा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने रोड कोई ब्लॉक नहीं किया, रोड वो ब्लॉक कर रहे हैं, उन्होंने अनुरोध किया, हमने उन्हें थोड़ा सा अनुरोध विचार किया है कि हम तमाम लोग आपस में बैठ करके इस पे विचार करते हैं और आगे की फिर रणनीति बनाते हैं। जी, अभी हमें सब लोग अंदर बैठेंगे, आपस में विचार करेंगे। हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, हम खुद परेशान हैं, हम मजबूरी में यहाँ पर रोडों पर आए हैं, हमारा शौक नहीं है रोड पर आना, हम मजबूरन यहाँ पाए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अब हमको और ज्यादा मजबूर ना किया जाए, हम जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे, कोई इस देश के किसान को नहीं रोक सकता जाने से। अभी जहां हम लोग खड़े हैं, यहां आप कितनी देर तक बैठने वाले हैं, कितना आगे आपको कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? नहीं, अभी हम यहां रहेंगे, अभी कमेटी निर्णय लेगी आगे क्या होगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा है, तमाम इसमें 20 संगठन है, सारे संगठनों के नेता आपस में विचार विमर्श करेंगे, फिर हम आपको प्रोग्राम देंगे। जैसे पहले 3 प्रोग्राम दिए गए, ग्रेटर नोएडा, यमुना और महामाया, अब आगे के प्रोग्राम दिए जाएंगे। अगर उस समय तक ये काम नहीं करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।